बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री प्रोफेसर साजिद यासीन गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज भगवानपुर लाहौर इंटर बीएससी और बीएस ऑनर मैथ के नोट्स के लिए रब्ता करें साबर भाई। ये भाईजान का फ़ोन नंबर है और यह भाईजान का एड्रेस है। भजन नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्योरम है। एन इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल व्हेन पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एंड अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज गिवन बाय फार्मूला क्या एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या पी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा तो मसावाद बनेगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म के लगे। ये भजन क्या कहलाती है। अच्छा भाई इसकी खूबी है कि इसमें एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट है ना साइन और कोसाइन का स्क्वायर सम किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो नॉर्मल फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एक नॉन वर्टिकल वर्टिकल नहीं है व्हेन पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एंड अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय भाई क्या होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। नाउ ये हमारे पास लाइन है जी ठीक है। इसका भाई ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पी है और इसका इंक्लिनेशन अल्फा है। तो भाई ये अल्फा तो एक होगा 90 माइनस अल्फा ये वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स को मापा है भाई लाइन इज दिस ठीक है जी। भैया ये एक्स एक्स ए फासले पे वाई एक्स तो बी फासले पे कट कर इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या पी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंक्लिनेशन का अल्फा जी। तो भाई ये अल्फा तो एक होगा 90 माइनस अल्फा क्योंकि टोटल के हमारे पास 90 में से ये निकाल दो तो 90 माइनस अल्फा जी। द लाइन एल मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड मीट वाई एक्सिस एट पॉइंट बी वाई एक्सिस को ए फास्ते पे कट करता है और वाई एक्सिस को बी फास्ते हो। लेट पी बी एनी आर्बिटरी पॉइंट भैया पी यहाँ पे कोई एक पॉइंट है लेट पी बी एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑन दिस लाइन भाई पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन एल एंड आर बी सच दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर लाइन एल भैया ओ आर कहाँ पे है परपेंडिकुलर लाइन एल के ऊपर। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर ए बाई ओ आर ए तो बचेंगे अल्फा ये पी तो पी ओवर ओ ए क्या होगा पी ओवर ओ ए बराबर कोज ऑफ अल्फा तो ओ ए की वैल्यू निकल आई पी ओवर कोज ऑफ अल्फा या पी सेकंड अल्फा जी। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर एंड बी जी तो भाई इधर देखिएगा ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा तो भाई बेस और हाइपोटेन्यूज करेंगे तो भाई क्या होगा कॉस अब कॉस 90 माइनस अल्फा का साइन ऑफ अल्फा जी। तो भाई आप जरा देखें ओबी की वैल्यू क्या निकलेगी पी ओवर साइन या ओबी की वैल्यू पी को सेकंड अल्फा जी। भाई एज ओ ए एंड ओ बी आर द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट तो यूजिंग फार्मूला क्या हमारे पास होगा एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल वन जी। भाई इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल वन जी। तो भाई आपने ए की वैल्यू क्या बनती है पी सेकंड अल्फा और बी की बनती है पी को सेकंड अल्फा इज इक्वल टू वाई तो भाई जन सेकंड को सेकंड ऊपर आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। भाई इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गई भाई जन क्या रिक्वायर भाई देखो ना एक्स इंटरसेप्ट क्या निकलेगा पी सेकंड अल्फा और वाई इंटरसेप्ट निकलेगा पी को सेकंड अल्फा तो एक्स ओवर क्या होगा पी सेकंड अल्फा प्लस वाई ओवर क्या होगा पी को सेकंड अल्फा इज इक्वल टू वन। इसको सिंपलीफाई किया एंड वी गेट एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी।